हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। वो है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, इरेशनल नंबर्स को अपन नंबर लाइन पे कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ओके, सो अभी अपन लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन बोल रहे हैं। ओके, सो इसको अपन कैसा कैलकुलेट करते हैं और कैसा अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए। ओके, सो अपने को आई थिंक आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में रूट टू का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना है मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बताया हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.4142, ओके, अपन फोर डिजिट सॉल्व करे थे, सो ऑन ऐसा कुछ और भी नंबर्स आता है, ये नंबर आपको मालूम ही होगा। सो ये अपन कैसेस अभी अपन देखेंगे। सो फर्स्ट अपन क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है अगर कोई भी एक ट्रायंगल का ये जो लॉन्गर साइड है, दिस इज नथिंग बट व्हाट लॉन्गर साइड ए बी सी मैंने शो कर रहा हूँ, अगर ये वन है तो ये साइड क्या फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये लॉन्गर साइड इज इक्वल टू दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है। ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है जो भी ये लॉन्गर साइड फाइंड आउट करना है, अगर अपन को दो साइड्स दे चुका है तो अपन दो साइड्स को इसके स्क्वायर्स करके इसको अपन को स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, ए सी स्क्वायर अपन को फाइंड आउट करना है, सो ए बी स्क्वायर है 1 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर भी 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर नथिंग बट 1 प्लस 1 दैट इज टोटली 2। सो ए सी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है मैं इधर राइट हैंड साइड पे सेंड कर दूंगा, सो ए सी इज इक्वल टू रूट टू। सो मुझे ये ए सी का वैल्यू रूट टू आया है। ओके, सो ये ए सी का वैल्यू रूट टू आया है। ओके, अभी तो अपन इस वैल्यू को फाइंड आउट करें, सो ये सेम वैल्यू ये क्या है अपन ए सी लिए रहे। ओके, अभी अपन सेम अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, वो लाइन पे अपन इस नंबर को शो करेंगे और ये नंबर कैसा फाइंड आउट करते हैं अभी तो अपन देख लिए। ओके, सो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसी को अपन क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट टू। ओके, बहुत ही सिंपल वे में अपन फाइंड आउट करें, इधर रूट टू आया, इधर मैंने क्या करा जस्ट ए सी स्क्वायर को इधर ही स्क्वायर ले लिया हूँ, ये भी कर सकते हैं चाहे ये भी कर लो आप, दोनों में से कुछ भी आपको सेम आंसर ही आने वाला है। ओके, सो मैं एक नंबर लाइन बना लूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन बना लिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब भी अपन एक जीरो बना रहे उसके राइट हैंड साइड पे हमेशा अपन क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स लेना है और हमेशा उसके राइट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स लेना है। ओके, सो अपन पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, हाफ हाफ बढ़ाएंगे, एग्जैक्टली हाफ 1/2। ओके, हाफ दैट इज 0.5 दैट इज 1। ये मैं एक्यूरेट मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, ऐसा कुछ अपन लेना है। ओके, 7/2 करने पे 3.5 आता है, उसके लिए मैंने 7/2 लिया, इधर 5/2 करने पे 2.5 आता है, मैंने ऐसा लिखा। ओके, इधर सेम इन द वे अपन क्या करना है, इधर -1/2, 1 -3/2 -2 -5/2 -3 -7/2 -4। ओके, दोनों साइड में अपन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अपन ले लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसको अपन करना है बोलते अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, अपने को रूट टू लोकेट करना है ना, सो अपने को वैल्यू पता है 1.4142 कि अपन डायरेक्टली 1.41 तक 1.4 तक तो अपन ले सकते हैं, बट उसके बाद में देखिए 1.412 जो भी नंबर आ रहा है अपने को रूट टू का वैल्यू
1.4142 सो ऑन नंबर्स आते ही रहते हैं. ओके सो अपन फोर तक तो इसके ऊपर 1.4 रहता है. डायरेक्टली मैंने इसको क्या करूंगा, फोर पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने इसको ले लेता था. बट ये क्या है बोले तो नंबर्स कंटिन्यूसली नंबर्स आ रहे हैं, तो एक्यूरेट नंबर आने के लिए अपन नंबर लाइन पर शो करना है वो. तो इसके लिए एक मेथड है, वो है देखिए, अगर मैं जो भी अगर वन मैं इसको मान रहा हूँ कि वन वन सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो मैंने जीरो से लेकर वन के बीच में मैं एक वन सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. एग्जैक्टली वन सेंटीमीटर. ओके एग्जैक्टली वन सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ किया. अगर मैंने बेस इसका वन सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो इसका हाइट भी वन सेंटीमीटर एग्जैक्टली मैंने जहाँ से एंडिंग पॉइंट है वहाँ से मैंने वन सेंटीमीटर का लाइन भी इसको ड्रॉ करना है. ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी ये वन सेंटीमीटर हो गया, सो ये वन सेंटीमीटर हो गया. जब अपन ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सॉरी तो इधर भी तो वन सेंटीमीटर बना लीजिए और इधर भी वन सेंटीमीटर का बॉक्स बनवा लीजिए. सो आपको स्क्वेयर बन जाएगा, वन सेंटीमीटर का स्क्वेयर आपको बन जाएगा. ओके वन सेंटीमीटर का आपको स्क्वेयर एग्जैक्टली अभी स्क्वेयर बन गया. मैं छोटा ले रहा हूँ. ओके वन सेंटीमीटर, सो वन सेंटीमीटर का आपको स्केल बन गया. मैं इसको थोड़ा रेड पेन से शो करूंगा. सो आपको थोड़ा ओके वन सेंटीमीटर का मैंने इसको एक स्क्वायर बनाया. अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको क्या करूंगा, बीच में से इसको एक डायगनल बनाऊंगा. वो डायगनल है अपना रूट टू, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके कैलकुलेशन के टाइम पे जब अपन करे थे, ये वन अगर ये वन है दोनों साइड्स वन है तो इसको अपन को वैल्यू रूट टू आएगा. ओके अब ये रूट टू का वैल्यू अपन को शो करना है. सॉरी मैं इधर इसको, ये रूट टू वैल्यू, ये रूट टू है. ओके ये कॉलम जो भी है मैंने रूट टू लिखा हुआ. सो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूँगा, सो मैं इसको क्या जीरो सॉरी ओ इसको ए इसको बी इसको सी मैं व्हाट इज पर मैं इसको इंडिकेट किया शो करा हूँ. सो अभी मेरे को क्या करना है, कंपास की मदद से मैं कंपास की मदद से मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं सेंटर पे ओ पे लगाकर ओके ओ पे लगाकर ओ बी का रेडियस जितना भी है ओके ओ बी का रेडियस जितना भी है उसको पहले मैंने इसको मेजर कर लूँगा. ओ बी का मैं मेजर कर लूँगा. मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है. अभी मेरा ओ बी का जो भी रेडियस है मेरे को इतना मेजर हो गया. सो अभी मैं क्या करूँगा, वो ओ बी का मेजर जो भी है मैं इसको एक ड्रॉ करूँगा. ओ के ऊपर लगाकर एक आर्क ड्रॉ करूँगा. वो आर्क मैं राइट हैंड साइड पर ड्रॉ करूँगा. ओके राइट हैंड साइड पर क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर है वन प्लस समथिंग आ रहा है, 1.414 आ रहा है ना. तो उसके लिए अपन जीरो से ले रहे हैं ना, तो अपन को इधर लगा कर एग्जैक्टली अपन को ड्रॉ करने पर अपन को देखिए इधर आ रहा है. आर्क ड्रॉ करने पे अपना जो नंबर शो कर रहा है ओके ये जहां पे नंबर पे ये पॉइंट पे इंडिकेट शो कर रहा है, वो पॉइंट को अपन जो नंबर लाइन पे अपन को बना है वो पॉइंट को अपन कह रहे हैं कि के. ओके सो देखिए फ्रेंड्स, अपना 1.5 तो इधर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा हूं, और इधर 1 है. तो 1.5 और 1 के बीच में अपना आर्क आया ना, ये मैंने इसको भी थोड़ा इसकी मदद से शो करूंगा. सो अपने को इधर आया. सो ये वैल्यू जो भी है मैं इसको बोलूँगा के वैल्यू. ओके मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हो, इसको अपन के वैल्यू बोले. और ये जो भी है डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, और ये के वैल्यू को अपन रूट टू से शो करें. ओके सो इस तरह अपन को नंबर लाइन पे बनाना है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको मैं हर एक भी एग्जांपल लेके आपके समझाने की कोशिश करूंगा रूट थ्री का. ओके तो देखिए फ्रेंड्स, लोकेट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन. ओके सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पे देखेंगे. ओके नंबर लाइन के साथ साथ मैं कैलकुलेशन को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट नंबर लाइन पे देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा हूँ. ओके उस लाइन को मैं इधर एक जीरो बनाऊंगा, और मैं वैसे राइट हैंड साइड पे हाफ हाफ बढ़ाते जाऊंगा, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, ओके सो ऑन.
और इसी तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस वन बाई टू, माइनस वन, माइनस थ्री बाई टू, माइनस टू, माइनस फाइव बाई टू, माइनस थ्री, माइनस सेवन बाई टू, माइनस फोर। सो इस तरह अपन क्या करें, जस्ट नंबर्स ले लिए। ओके, सो सेम रूट टू में कैसा करें अपन, फर्स्ट इसको भी क्या करेंगे, एक वन सेंटीमीटर का बॉक्स फर्स्ट बना लेंगे, दैट इज स्क्वेयर बनाना है। ओके, मैं क्या करूंगा, एक वन सेंटीमीटर का मैंने फर्स्ट इसको वन सेंटीमीटर, एग्जैक्टली वन सेंटीमीटर मैंने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर लाइन पे। ओके, सो वन सेंटीमीटर मैंने इधर ड्रॉ किया हूँ, द सेम वे वन सेंटीमीटर इधर बनाना है, वन सेंटीमीटर मुझे इधर भी बनाना है, और वन सेंटीमीटर मुझे ये एग्जैक्टली आपको करेक्ट रहना चाहिए, तभी आपको एक्यूरेट वैल्यू आप रिप्रेजेंट शो कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपको स्क्वायर, हो गया वन सेंटीमीटर का। ओके, मैंने स्केल से आपको ड्रॉ करके दिखाया हूँ, तो ये वन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में अपन करे थे डायगनल ड्रॉ किए इसके बीच का। ओके, डायगनल ड्रॉ किए, अगर ये वन है ये वन है तो अपने को इसका वैल्यू रूट टू आता है। ओके, सो वो अपन ऊपर केस में पढ़े, सो ये रूट टू का वैल्यू है। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर है, और इन द सेम वे अपन क्या करते हैं, फर्स्ट अभी अपन सेम इसको ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी अपन ने शो किया था, और जो भी ओ बी का रेडियस है उसको अपन राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे। जो भी अपना ओ बी का रेडियस है उसको अपन राइट साइड पे आर्क ड्रॉ करेंगे, वो भी डॉटेड लाइंस। ओके, मैंने ऊपर भी बोला था, मैंने फर्स्ट क्या किया था, पूरा लाइन ड्रॉ किया है, तो इसको अपन डॉटेड लाइंस में शो करना है। ओके, सो देखिए माइनस 3.2 के पहले थोड़ा आ रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका के पॉइंट, पॉइंट के हो गया। सो उसी तरह अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन को रूट थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मैंने बोला है आपको पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वो होता है जिसका साइड फर्स्ट, अगर इसका एक वन सेंटीमीटर इसका वन सेंटीमीटर है, तो अपने को मैंने बोला है कि अगर सपोज ओ ए बी मैंने लिया हूँ, इसका ओ बी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर ओ बी वैल्यू इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, सो ओ ए स्क्वायर कितना है, वन स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर कितना है, वन स्क्वायर है। सो ये दोनों मिलाए तो क्या होगा, टू हो जाएगा, बट इधर ओ बी स्क्वायर है ना, तो ओ बी इज इक्वल टू रूट टू अपने को आया था। बट अभी देखिए ये रूट टू का वैल्यू है, और अभी अपन सेम अगर अपन इसको वन सेंटीमीटर अगर अपन इसको मान लिए है, तो अपने को और एक भी ट्राइंगल बन जाएगा इधर, अगर ये वन और ये रूट टू है, सो उसको अपन देखेंगे ओ बी, अपन अभी इसको सी बोल के मानेंगे। ओके, सॉरी सी तो ऑलरेडी बना चुके ना यहाँ पर, तो अपन नीचे इधर इसको डी बोल के मानेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, ओ डी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर कितना है, रूट टू स्क्वायर है, प्लस बी डी स्क्वायर कितना है, वन स्क्वायर है। सो रूट टू स्क्वायर जब आप शो करेंगे, ये स्क्वायर रूट गोज कैंसल, टू बचता है और ये वन बचता है, सो टोटल थ्री हो गया। सो ओ डी स्क्वायर है ना, सो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू थ्री है, तो अगर ओ डी क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएंगे। सो ये वैल्यू अपने को रूट थ्री आया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैल्यू अपने को रूट थ्री ऐसा अपन कैलकुलेट करें। ओके, सो अभी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फिर से नंबर लाइन पे जाएंगे, फिर अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं क्या करूंगा, यहां से एग्जैक्टली वन सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, मैं ये वन सेंटीमीटर का लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ किया हूं, तो
तो ये 1 सेंटीमीटर और ये रूट टू का वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आएगा रूट थ्री। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली इसको ज्वाइन कर दूंगा। सो मैंने बी ले लिया, सी ले लिया, उसको डी मार्क करूंगा। ओके सो अभी देखिए आप, ये तो रूट टू का वैल्यू अपन मार्क कर दिए इधर। अभी अपन को जो वैल्यू मार्क करना है वो रूट थ्री का वैल्यू मार्क करना है नंबर लाइन पे। ओके सो एस टी जैसे अपन ओ बी का रेडियस ले लेकर हम राइट साइड पे ड्रॉ करें, अभी अपन ओ डी का रेडियस लेकर अपन राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है। ओके मैं लिख रहा हूं इधर ओ बी रेडियस टेक एंड ड्रॉ आर्क आर्क राइट साइड। ये ओबी का रेडियस क्या है, रूट टू का है। अभी अपन क्या करेंगे, ओडी का रेडियस लेंगे, ओडी इज इक्वल टू रूट थ्री, और ये भी अपन को राइट साइड पे ड्रॉ करना है। ओके राइट साइड पे ड्रॉ करना है। सो ओडी इज इक्वल टू रूट थ्री मैंने लिया हूं। द सेम वे जितना भी अपन को इधर से इधर तक अपन को रेडियस है, द सेम वे वही रेडियस को अपन क्या करना है, राइट साइड पे अपन को एक आर्क की तौर पे ड्रॉ करना है। ओके सो लेट्स सी एग्जैक्टली मेरे को इतना आ गया है। सो मैं क्या करूंगा, अभी जस्ट आर्क ड्रॉ करूंगा। सो देखिए मुझे समवेयर आपको इधर आ रहा है। मैं थोड़ा इसको डार्क लाइन से आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैंने इसको ब्लू पेन से वरना राइट पेन से मैं इसको शो करूंगा आपको। सो देखिए फ्रेंड्स, ओके सो ये जो भी मैंने आर्क ड्रॉ किया हूँ मुझे इधर आ रहा है। ओके सो ये वैल्यू क्या हो गया अपना, रूट थ्री वैल्यू। सो आई होप आपको रूट थ्री का वैल्यू पता होगा। रूट थ्री वैल्यू होता है नियरली 1.7320। ओके 1.732 बोलते हैं अपन, और उसके बाद में 50 ऐसा भी कुछ नंबर आता है। सो रूट थ्री वैल्यू इज 1.730। सो लेट्स सी हियर, अपने को 1.5 और 2 के बीच में ये आर का है। ओके सो इस तरह अपने को करना है, और अपन इसको एल से करेंगे, और ये अपन के से करे थे ऑलरेडी। सो के एंड एल, सो इस तरह अपन को रूट टू और रूट थ्री वैल्यूज अपन शो किए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। सो अपन और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकूंगा। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।